नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में भारी बहुमत के जीत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने संघ के कार्यक्रम में कहा कि राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी निगरानी भी करनी होगी। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कयास यही निकाले जा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब राम मंदिर बन के रहेगा, हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं बोला। आपको बता दें कि उदयपुर में चल रहे संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण के दौरान मंच से संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। राम का काम करना है तो अपना काम करना है और अपना काम खुद करेंगे तो ही काम ठीक और अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि किसी काम को सौंप देते हैं तो उसकी निगरानी तो करनी होती है। भागवत ने पहले मुरारी बापू ने कहा था कि राम का काम सबको करना है, उसी को जोड़ते हुए भागवत ने भी कहा कि राम का काम होके रहेगा। उदयपुर में चल रहे इस कार्यक्रम में भागवत ने 4 दिन तक हिस्सा लिया। इस शिविर में संघ के लगभग 300 स्वयंसेवक भाग ले रहे थे। बता दें कि आरएसएस लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी सरकार पर राम मंदिर को लेकर के नाराजगी जता चुका है। इससे पहले एक आरएसएस कार्यकर्ता और नेता ने भागवत के हवाले से कहा था कि संघ लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू कर देगा, चाहे केंद्र में किसी भी सरकार आए। इससे पहले आरएसएस और बीएचपी ने अध्यादेश लाने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर मामले में कह चुके हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे पहले आरएसएस और बीएचपी ने मांग की थी कि केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण शुरू करवाए और राम मंदिर मार्ग का मार्ग प्रशस्त करे। हम आपको ये भी बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान राम मंदिर मसले पर कोई भी बयानबाजी नहीं हुई थी। पूरे चुनाव भर में राम मंदिर मुद्दे को लेकर के कोई चर्चा भी नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में चुनावी रैली की थी लेकिन मंदिर के मुद्दे पर दूर रहे। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान से एक बार अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के हलचल तेज हो गई है। फिलहाल अयोध्या में विवादित जमीन पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब की बार राम मंदिर बन के रहेगा। इस बयान के बाद में सिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है, दोनों समुदाय के नेताओं ने ऐसे बयान से दूर रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य की जबरदस्त जीत के बाद रविवार को उदयपुर के दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार ये बयान दिया। उनके साथ वहां पर आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू भी मौजूद थे। नई सरकार ने अब तक शपथ भी नहीं ली है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी से ही राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। मोहन भागवत के बयान के बाद मुस्लिम मौलानाओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईदगाह के इमाम और सुन्नी धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि ऐसा बयान देना सही नहीं है, क्योंकि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में हो जिसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया भी न्यायालय और अदालत में निगरानी में चल रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम का इंतजार कर रहे हैं और हिंदुओं को भी धैर्य रखना चाहिए। इस तरह के बयान से केवल विवाद होता है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर सही समय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अभी समय ठीक नहीं है। जब मध्यस्थता की प्रक्रिया चल रही है, मुसलमानों ने हमेशा कहा है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को स्वीकार करेंगे, इसलिए इस तरह के बयान की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। तो ध्यान में रखिए, राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। भारत महाशक्ति बनेगा, भारत महाशक्ति बनेगा, चर्चा करती है, बनना भी चाहिए। बिना शक्ति के कोई मानता भी नहीं। अगर समर्थक हो नहीं दोष कुसाई ऐसे कहा जाता, तो सत्य और सारे सदविचार सदाचार को भी एक डंडा बांसने चाहिए, तब दुनिया मानती है। परंतु एक ने सवाल किया कि भारत को महाशक्ति क्यों बनना है? दुनिया में जो जो महाशक्ति बने, चीन बना, क्या कर रहा है?
अमेरिका बना क्या किया, रशिया बना क्या किया, वही करना है क्या? तो उसने ये भाग लाके दिया कि भारत का महाशक्ति बनना बाकी देशों के महाशक्ति बनने से अलग रहेगा। भाई शक्ति 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 है, उसका उपयोग कौन करता है? राम करते हैं तो दूसरी बात होती है, रावण करता है तो दूसरी बात होती है। विद्या विवाद आए धर्म मद आए शक्ति परेशान पर बैठ जाता है, ये दुर्जर होता है। साधो विपरीत ज्ञाना ये दाना ये चर। तो साधुत्व क्या है और खलत्व क्या है इसके निकट भी हमको, हम जहां से चले हैं वहां से आज तक के अनुभव में से मिलेगा, और इसलिए उसको ढंग जरूरी है। जिन बातों की हमको प्रतीक्षा है उसके लिए पुरुषार्थ हम करें, उसके लिए प्रेरणा ग्रहण करने वाले ऐसे केंद्रों की देखभाल करें, रचना करें, उनको अच्छा बनाए, इसका कर्तव्य भी हमको साथ साथ करना है। वास्तव में हमको जागरूक है और काम करना है। राम का राम करता है तो अपना काम करना है, राम हमने भी रहते हैं आत्मा राम, तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें, खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है, और इसलिए दुनिया का इतिहास और दुनिया का वर्तमान भी अपने को ये बताता है कि जिस देश के लोग सजग रहते हैं, सक्षम रहते हैं, शीलवान रहते हैं, बलवान रहते हैं और सक्रिय रहते हैं, उस देश का भाग्य निरंतर आगे आगे दौड़ता है।